Hello friends, welcome to Study Go with Zero Strategy. For more videos, subscribe the channel and press the bell icon for latest updates. दोस्तों अगर आप लोग मुझे Instagram पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा Instagram का पेज है और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आप वहां पर क्लिक करके मुझे इजीली Instagram पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों मैंने यूपी जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंडफॉर्म्स एक्ट 1952 से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस बनाई है वो सारी वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे इस प्लेलिस्ट का नाम है यूपी जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंडफॉर्म एक्ट 1952 एक बार आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना उस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया आप वहां पर क्लिक करके यूपी जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंडफॉर्म एक्ट की सारी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लैंड की डेफिनेशन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ खुदकास्ट लैंड डेफिनेशन ऑफ सीर लैंड और सीर लैंड एंड खुदकास्ट लैंड इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये सारी चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी खुदकास्ट लैंड इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी लैंड जहां पर खुद कास्ट किया जाता हो खुद ही खेती की जाती हो स्वयं खेती की जाती हो बुद्धा वर्सेस अमीलाल 1991 का केस है इस केस में खुदकास्ट लैंड का शाब्दिक अर्थ बताया गया था कि ऐसी भूमि जिस पर जमींदार स्वयं यानी कि खुद खेती यानी कि काश्त करता हो स्वयं से यहाँ पे मतलब है कि या तो वे खुद काश्त करता हो खुद खेती करता हो या फिर अपने कुटुंब के सदस्यों से खेती करवाता हो या फिर अपने प्राइवेट नौकरों से खेती करवाता हो या फिर मजदूरों से या फिर ऐसे नौकरों से करवाता हो जिनको उसने हायर किया हो खेती करवाने के लिए तो ऐसी लैंड को हम बोलेंगे खुद कास्ट लैंड यानी कि खुद कास्ट लैंड मीन्स लैंड कल्टिवेटेड इट मीन्स कास्ट बाय जमींदार बाय हिमसेल्फ यानी कि ऐसी लैंड जो कि कल्टिवेटेड की जाती है कास्ट की जाती है जमींदार के द्वारा खुद ही जमींदार उस पर खेती करता है या फिर यहाँ पर हम खुद का मीनिंग बोल सकते हैं कि इस चीज़ से है कि या तो जमींदार खुद ही खेती करे या फिर लेबर से करवा रहा है या फिर अपनी फैमिली लेबर से करवा रहा है या फिर प्राइवेट सर्वेंट से करवा रहा है या फिर अपने फार्म सर्वेंट से करवा रहा है या फिर हायर्ड लेबर के द्वारा अपनी लैंड पर खेती करवा रहा है तो वो जो लैंड है उसको बोलेंगे हम खुद कास्ट लैंड यूपी टिनेंसी एक्ट 1939 इस एक्ट के सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 में खुदकास्ट लैंड को डिफाइन किया गया है यहाँ पर कहा गया है कि खुदकास्ट लैंड का तात्पर्य ऐसी लैंड्स है जो कि सीर भूमि नहीं है सीर के अलावा ऐसी भूमि है जो जमींदार द्वारा स्वयं या नौकरों या किराए के मजदूरों द्वारा जुताई बुवाई जाती है यानी कि खुदकास्ट लैंड मीन्स लैंड अदर देन सीर कल्टिवेटेड बाय अ जमींदार इधर बाय हिमसेल्फ और बाय सर्वेंट्स और बाय हायर लेबर यानी कि सेम बात यहाँ पर कही गई है जो भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है यानी कि इन्होंने कह दिया है कि वो सीर लैंड नहीं होनी चाहिए वो ऐसी लैंड होनी चाहिए जिस पर जमींदार या तो खुद खेती कर रहा है या फिर अपने नौकरों से अपने सर्वेंट से या फिर हायर लेबर से उस लैंड पर खेती करवा रहा है अब बात आती है सीर भूमि की परिभाषा की यानी कि डेफिनेशन ऑफ सीर लैंड दोस्तों ये जो सीर लैंड होती है यहाँ पर सीर का मतलब होता है ऐसी भूमि से जो कि पर्सनल हो यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं निज जोत यानी कि पर्सनल होल्डिंग दोस्तों ये जो सीर लैंड हुआ करती थी ये जमींदारों का गृह फॉर्म होती थी यानी कि होम फार्म जिसे हम कह सकते हैं जिसका प्रबंध जमींदार अपने हाथ में रखता था यानी कि इस लैंड का जो मैनेजमेंट था वो जमींदार के हाथ में होता था प्रारंभ में उस भूमि पर खेती बाड़ी जमींदार स्वयं करता था अपने नौकरों से या फिर किराए के मजदूरों से करवाता था दोस्तों ये जो आपका एक्ट है यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट यहाँ पर और कोई भी ऐसा एक्ट जो इससे पहले आया है वहां पर भी सीर लैंड के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है बस इतना बताया गया है कि क्या भूमि सीर है जैसे कि आपका यूपी टिनेंसी एक्ट हो गया 1939 का वहां का जो सेक्शन है 6 वहां पर ये लिखा है कि वो लैंड जो कि आगरा टिनेंसी एक्ट 1926 और अवध रेंट एक्ट 1886 इन एक्ट के प्रोविजंस के तहत जो लैंड सीर थी वह लैंड क्या है सीर लैंड है लेकिन ये नहीं बताया गया है कि सीर लैंड की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है दोस्तों सीर भूमि की कुछ सुविधाएं हुआ करती थी जैसे कि हो गया सीर भूमि काश्तकारों को लगान पर दिए जाने के बाद भी सीर भूमि ही बनी रहती थी यानी कि जो टिनेंट्स वगैरह होते हैं उनको अगर हम ये रेंट पर भी दे देते थे तो तब भी ये सीर भूमि ही बनी रहती थी यानी कि सिंपल सा मीनिंग है सीर का अर्थ जैसे कि आपको पता ही है निज जोत होता है लेकिन पर जोत होने के बाद भी ये सीर भूमि ही बनी रहती थी तो ये खास बात थी सीर भूमि की नेक्स्ट पॉइंट है सीर भूमि में काश्तकारों को दखलकार अधिकार यानी कि ऑक्यूपेंसी राइट्स प्राप्त नहीं होते थे यानी कि जो काश्तकार होते थे सीर भूमि पर जो खेती करते थे उनको ऑक्यूपेंसी राइट्स प्राप्त नहीं होते थे सीर भूमि का काश्तकार सदैव क्या रहता था
गैर दखलकार काश्तकार, उसको ऑक्यूपेंसी राइट्स नहीं दिए जाते थे सीर भूमि में। नेक्स्ट पॉइंट है, बुरे दिन आने पर जब जमींदार की जो जमींदारी थी वो बिक जाती थी तो उसकी सीर भूमि उसी के पास रहती थी, वह उस भूमि का काश्तकार हो जाता था। और ऐसे काश्तकार को क्या कहते थे? ऐसे काश्तकार को कहते थे गत स्वामित्व काश्तकार, यानी कि एक्सप्रोप्रिएटरी टिनेंट। सीर भूमि के साथ जुड़ी हुई विशेषताओं के कारण जो जमींदार हुआ करते थे वो चाहते थे कि गांव की जितनी भी अच्छी अच्छी भूमि है वो उनकी सीर भूमि बन जाए। 1939 के बाद काश्तकारी अधिनियम जब आया तो उसके द्वारा जो भी सीर भूमि थी उनके ऊपर रोक लगा दी गई, और अगर कोई सीर भूमि थी तो उनमें भी क्या कर दी गई? कमी कर दी गई, यानी कि पूरी तरीके से आपका सीर भूमि समाप्त हो गई। ये जो आपका एक्ट आया था यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, इस एक्ट ने प्रत्येक जमींदार को अगर उसने अपनी सीर भूमि रेंट पर नहीं उठाई थी तो उस भूमि का भूमिधर बना दिया, और कुछ विशेष परिस्थितियों में उस सीर भूमि का भी वो भूमिधर बन गया जो भूमि उसने रेंट पर उठाई थी। लेकिन दोस्तों, वर्तमान काल में ना तो जमींदार है और ना ही सीर भूमि, अब ये केवल इतिहास की विषय वस्तु है। अब बात आती है कि खुदकाश्त एंड सीर लैंड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है कि खुदकाश्त भूमि काश्तकारों को उठा दिए जाने पर खुदकाश्त भूमि नहीं रहती थी, यानी कि जैसे ही खुदकाश्त भूमि को रेंट के ऊपर उठा दिया यानी काश्तकारों को दे दिया तो वो खुदकाश्त भूमि नहीं रहती थी, लेकिन जो सीर भूमि है वो सदैव सीर भूमि ही बनी रहती थी। नेक्स्ट डिफरेंस है, खुदकाश्त भूमि 1939 के बाद भी प्राप्त की जा सकती थी, लेकिन सीर भूमि, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही आपका टिनेंसी एक्ट आया, यूपी टिनेंसी एक्ट 1939, उसके बाद सीर भूमि के ऊपर रोक लगा दी गई, इसलिए सीर भूमि में भी जो एग्जिस्ट करती थी उसमें भी कमी कर दी गई। तो यूपी टिनेंसी एक्ट के बाद सीर भूमि को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन खुदकाश्त भूमि को प्राप्त किया जा सकता था। तो ये दो डिफरेंट थे आपके खुदकाश्त लैंड एंड सीर लैंड में। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ एस्टेट, यानी कि आस्थान की परिभाषा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको मेरे कॉन्सेप्ट्स, मेरा हार्डवर्क आपको पसंद आता है और आप मुझे कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड की सहायता से पेटीएम के थ्रू मुझे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, इस QR कोड का स्क्रीनशॉट लेकर इसको स्कैन करना है और उसके बाद आप पेटीएम के थ्रू मुझे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों YouTube से मुझे बिल्कुल भी अर्निंग नहीं होती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेकर आऊं, इसी तरह मैं आपके लिए वीडियोस का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपके लिए नई नई वीडियोस बना रही हूं, उसको कंटिन्यू रखूं, तो आप इस QR कोड की सहायता से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आती रहूं, और जो भी बंदा मुझे कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उसका नाम भी मैं वीडियोज में शो करूंगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हो तो मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।